आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीना नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रीना एंड फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज की जो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:15 बजे से हो रही है, और अभी मैंने सुबह का नाश्ता भी बना दिया, ऋतु के पापा के लिए टिफिन रख दिया, और ये यहाँ पे ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऋतु तो अभी सोया हुआ है, तो जब तक वो सोया है ये नाश्ता करें, तब तक मैं भी दूसरी चाय पी लेती हूँ सुबह की, और उसके बाद थोड़ी देर में नाश्ता करती हूँ मैं भी। अब मैं भी नाश्ता करूँगी, और जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बैठी तब तक हमारा रिद्धू भी सो के उठ गया। तो अब इसको भी नाश्ता कराऊंगी। तो चलो पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, और ये पहले ही खाने की तरफ जा रहा है। तो अभी मेरे घर के काम और किचन की सफाई तो हो गई है, अब मैं थोड़ा रिदिक का मुंह हाथ धुलवा के उसके थोड़े बाल बना लेती हूँ। उसके बाद 11:30 तो हो ही गया, और 12:30-12 बजे में फिर दिन का खाना बना दूंगी। तो यहाँ पे हो गया हमारा रिदुर रेडी फिट एंड फोर। तो अब मैं थोड़ा अंदर मेरे कपड़े फोल्ड करने को उनको फोल्ड करूंगी, उसके बाद थोड़ी देर में दिन का खाना भी बनाएंगे। तो अभी मैंने दिन के लिए खाना तो क्या चावल बनाने के लिए रख दिए, अब थोड़ी देर में वो बन जाएंगे। तो ये रिदु भी सोने लग गया था, तो इसे मैं थोड़ा यहाँ पे खिला रही थी ताकि ये खाना बनने तक खाना खा के फिर मैं इसे सुला दूँ। ये देखो हल्ला कर रहा है पीछे। तो चलो जब तब तक मेरा खाना बनता है इसको मैं खिलाती हूँ, उसके बाद खिला के सुला दूंगी। तो मैं और रिदु अभी सो के उठ गए हैं, और ये रिदु उल्टे काम करने को चालू हो गया है। तो दिन में मैंने इसे खाना खिला के सुला दिया था, और अब मैं रात की सब्जी काट रही हूँ। और आज मैं सब्जी में काट रही हूँ बीन आलू। मतलब बग्गू आ गया बाहर, बग्गू 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 आ गया बाहर, दे दो तेरे को उसके पास, बग्गू के पास दे दो तुझे, बग्गू के पास दे दो तुझे, वो जो बग्गू आ रहा उसके पास दे दो तुझे, तुझे बग्गू के पास दे दो। मामा को खींची पड़ती पहले, तब बग्गू के पास नहीं मिली।
बूती बचूती काकांदी दुधबाती मैं बिदरे बोल तो अभी मैंने सब्जी भी काट दी है और अब मैं सब्जी बनाऊंगी। हाँ मामा तो अभी मैंने आटा भी गूंद लिया और सब्जी भी रखी है बनाने को। अरे यहाँ बिगड़े काम कर रहा है, रो क्यों रहा तू? तो तब तक मैं इसको थोड़ा देखती हूँ अगर ये सोता है, क्योंकि शायद इसको नींद आ रही है। और अभी जब रिद्धू के पापा आ जाएंगे तब मैं रोटियां भी बना लूंगी। रिदू क्या हो रहा? रिदू कौन है? हम जो इधर जा रहे तू उधर जा ले। कौन है? हम इधर जा रहे। तो आ गए अभी रिदू के पापा ऑफिस से और ये रिदू यहाँ पता नहीं क्यों इधर उधर भटक रहा है। तो अब मैं बनाऊंगी रोटी और ये तो लगे हैं अपने फोन पे और शायद कुछ ऑफिस का काम भी कर रहे हैं। तो चलो मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद बनने के बाद रोटी लगा भी दूंगी। अभी मेरा खाना भी बन गया है और अब मैं रितु के पापा के लिए लगा के लेके जा रही हूँ। चलो खाना भाई खाना। अरे ठाकुर साहब वो मिलेगा ठीक हो कुछ पापा आ गए। चल पापा के लिए पानी लेके जाएंगे। वो बोतल उठा वहां से, बोतल उठा। चलो बोतल रिदू रिदू बोतल उठा, चल पानी लेके आएंगे। आजा आजा पानी लेके आएंगे, पानी पीने लग गया। चलो लेके जा पापा को देना। हाँ और तू भी खा ले खाना, ठीक है? तो यहाँ पर रिद्धू के पापा तो खाना खा रहे हैं और साथ में मैं अपने लिए भी ला गई और रिद्धू को भी खिलाऊंगी। तो चलो हम भी पहले एक बार खाना खा लेते हैं। नहीं खा रहा तुम? तो अभी हम लोग का खाना भी हो गया है और मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही है तो सो नहीं रहा है, खाली इधर उधर घूम रहा है। क्या कर रहा है? मम्मा मम्मा सो जा, आईज क्लोज कर दो। नीनी आ गई ना तुझे? आईज क्लोज कर दो अपनी, सो जाओ। तो अब मैं पहले इसे सुला लूंगी और इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूंगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट बोल दे। वो भी ऐसी करना है, गुड नाइट बोल दो। तुम गिरेगा तो पीछे।